नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बेल्लारी में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय का निर्माण को लेकर भूमि को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। नगर बेल्लारी में स्थित लक्ष्मण दास की मनी पर प्रस्तावित राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय का निर्माण होना था, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के विरोध में नगर के समाज सेवियों द्वारा आंदोलन चलाकर एवं जिले के अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस समस्या को शीघ्र समाधान कराने और राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय का निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर माननीय न्यायालय आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद के आदेश के अनुसार यह भूमि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय को दे दी गई। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए आज उप जिलाधिकारी बेल्लारी द्वारा तहसील प्रशासन, नगर पालिका परिषद बेल्लारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई। आज लक्ष्मण दास की मनी पर नायब तहसीलदार अनिल कुमार मिश्रा ने राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों की टीम द्वारा पहले सारी भूमि की पैमाइश की गई और नगर पालिका परिषद बेल्लारी द्वारा उसमें गड्ढे करवाकर थम और तारबंदी कराई गई और अतिक्रमण भूमि पर से JCB द्वारा कब्जा हटाए गए। इसके बाद नायब तहसीलदार अनिल कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक अकबर अली के द्वारा ये भूमि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बेल्लारी, कोतवाली बेल्लारी के विपिन कुमार सब इंस्पेक्टर एवं समाज सेवियों के सम्मुख आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बेल्लारी डॉक्टर ज्योति चौधरी एवं डॉक्टर ममता पांडे को दे दी गई। इस मौके पर समाज सेवी डॉक्टर राकेश रफीक, प्रेम कुमार प्रेम, डॉक्टर जितेंद्र दक्ष, शकील साबरी, राकेश जैन, संजय जैन, सुनील आर्य, प्रदीप सिंघल, KP सिंह राणा, नूम जमाल, तिलक राज चांदना, प्रदीप वर्मा, दीनदयाल यादव, मनीष शर्मा, गजराज सिंह बाल्मीकि, हसीब अहमद, पूनम शर्मा, साधु शरण शर्मा, कपिल राज, मोहम्मद यासीन सैफी, राशिद आदि क्षेत्र के सभासद एवं क्षेत्रवासी मौके पर मौजूद थे। नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी रजनी सिंह के नेतृत्व में पालिका कर्मचारी संजय सक्सेना, शाहिद, हुकम सिंह, गौरव सहदेव, जुनेद, आनंद बाल्मीकि सहित नगर पालिका के कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने एवं तत्काल भूमि पर गड्ढे करवाकर उसे पर थम लगवाए गए और तारबंदी की गई। ये प्रकरण ये था, ये भूमि नगर पालिका ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय के निर्माण के लिए दी थी, परंतु कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके गुपचुप तरीके से मुकदमा डाल के और लोगों के संज्ञान में नहीं ला के इन्होंने, जो नगर पालिका के वकील थे, कुछ लोग और थे, न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने मोटी रकम खा के ये बहुत बड़ा जनता के साथ, लोगों के साथ धोखा किया था। परंतु हमारे बेल्लारी के लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने और हमारे सरप्रस्त डॉक्टर राकेश रफीक और हमारे तमाम साथी जो हमारे बीच में खड़े हुए हैं और कुछ हमारे बीच में नहीं है, इन सब लोगों ने मेहनत करी और हमारे LIO के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने, SDM साहब ने, सब ने हमारी अच्छी अच्छी रिपोर्टें ऊपर को पहुंचाई। और मैं कमिश्नर आंजनेय कुमार जी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जब से आए यहां पे बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने इसका तुरंत संज्ञान लिया, नहीं तो भूमि का मुकदमा चलता है 50 साल, और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया और ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनने का निर्माण का कार्य एकदम प्रशस्त कर दिया। इसका परिणाम ये है कि हमें हमारी ज़मीन वापस मिल गई है। अब बस हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी इस पे कार्य शुरुआत हो और सभी जनता को इस चीज़ का लाभ मिले। ये कब से चल रहा है, ये निर्माण होने का? ये 2017 से इसका प्रकरण चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने इसमें वो कर लिया है, कब्जा कर लिया था, तो इसकी वजह से ये ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई थी, पर अब दोबारा हमें प्राप्त हो चुके हैं। ये कार्रवाई राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की जमीन जो 2017 में उसे नगर पालिका ने दी थी, उस जमीन पे एक झूठा केस चला के 2024 में कुछ लोगों ने अपने नाम करा ली वो जमीन, उसके खिलाफ मंडल आयुक्त को अपील की गई तो उनके निर्णय आदेश के अनुसार ये जमीन दोबारा से राजकीय चिकित्सालय को दे दी गई, यूनानी एवं आयुर्वेदिक को। उनकी डॉक्टर लोग यहाँ आई हुई हैं और नायब तहसीलदार साहब ने इसकी पैमाइश कर ली, पुलिस और नगर पालिका के लोग भी आए हुए हैं और इस ज़मीन पे कब्जा अपना पुनः बनाते हुए ये ज़मीन उन्हें नायब साहब ने सौंप दी। यही आज की कार्रवाई थी। चिकित्सालय के निर्माण के लिए हमारे चेयरमैन नगर पालिका गए हुए हैं
और आयुर्वेदिक विभाग से वो पैसा स्वीकृत कराने वाले हैं। जैसे ही पैसा आ जाएगा चिकित्सालय का निर्माण शुरू हो जाएगा।